को पट्टी प्रतापगढ़ की पावन धरती से हम गायक हवलदार सरोज बार बार कोट कोट प्रणाम करता हूं। एक छोटा सा विरहा रामायण से जिसका शीर्षक होगा उर्मिला का प्रण। यहां हमारे गुरु जी कवि श्री श्री राम यादव जी दो लाइन की भूमिका में लिखे मास्टर साहब। राम संग सीता लक्ष्मण जीवन को चले देखती उर्मिला पति को तड़प जिया फूल सैया छुटी राह कंटक भरे भूखियो प्यासी कैसे सहेंगे पिया ध्यान देंगे बाबूजी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिस समय 14 वर्ष के लिए वनवास को जाते छोटे भाई लक्ष्मण जी साथ में हैं, भार्या सीता जी हैं, उर्मिला बाबूजी जो लक्ष्मण की धर्म पत्नी है सोच रही है कि सैया 14 साल के लिए वन को जा रहे हैं, जो फूलों की सैया पर सोते आए हैं कांटों पर कैसे चलेंगे, पत्थरों पर कैसे चलेंगे, कहां सोएंगे, यही सोच के परेशान है। तो महल में जाती है एक लोटा जल लेके आती है, एक लाइन गीत लगा मास्टर। बहुत पुरानी गीत बा। अरे जवन माजा हाँ जवन माजा राम कई भजनिया तू हउ भोजा पूरिया में नाही उर्मिला एक लोटा जल लेकर लक्ष्मण जी के पास आती है, कहती है बाबूजी 14 साल होए ना मिलानिया पीला सैया हाथावा से पानिया नाथ 14 साल के लिए आपका साथ छूट रहा है, कम से कम हमारे हाथ से एक लोटा जल आप ग्रहण कर लीजिए। छूटल जात बा सैया आज मोरा साथ हो अब बनवा में जात आज हमारे नाथ हो सैया हाथवा से पानिया सेवा खातिर मिली है ना चरनिया पीला नाथ हाथवा से पानिया क्या बात बहुत सुंदर। सेवा खातिर मिली है ना चरनिया नाथ मुझे सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। उस समय लक्ष्मण जी उर्मिला से एक बात कह लें, एक लाइन गीत लगल मास्टर। अरे रोई
बई हे राजा, अरोई मर बई हे राजा, जईबा जो पूर्व के दसवा रोई। लक्ष्मण जी अपने धर्मपत्नी उर्मिला से कहते हैं एक बात, कहैला गेला खन सुना बतिया हमार रानी, आज राज वैभव सुख सब गईले छूटी, अनतवा गया लायाबा साबही से टूटी। आज से हम त्यागे नींद अन्न जल नार रानी, कहैला गेला खन सुना बतिया हमार रानी, लक्ष्मण जी कहने लगे बाबूजी उर्मिला से मैंने प्रण किया है कि आज से मैं नींद अन्न जल नार सब त्याग दिया। इतनी बात उर्मिला जब सुनती है कहती है, नाथ अगर आप प्रण किए हैं तो हमारा भी प्रण सुन लीजिए, जब तक आप हमारे हाथ से जल ग्रहण नहीं करेंगे हमारा पैर यहां से नहीं हटेगा। बाबा प्रभु जी सीता लक्ष्मण के साथ वन को चल दिए बृहस्पति टेरी में। दुअरिया पे ठाढ़ी उर्मिला तो जो हतरा पति के पत्थर भैल सरिया, जो हतरा पति के पत्थर भैल सरिया, दुअरिया पे ठाढ़ी उर्मिला। उर्मिला वहीं खड़ी की खड़ी पत्थर में तब्दील हो गई बाबूजी, लेकिन आगे कहानी बताती क्या है मास्टर। चले गए बन को तीनों जन, बास किए बन के अंदर पंचवटी से जनक लली को, आई हरा है दस कंधर किए चढ़ाई लंका पर प्रभु, साथ लिए भालू बंदर शक्तिबान लखन के लागल, शक्तिबान लखन के लागल रोवेला श्री रामचंद्र। पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ, राम रावण की सेना आमने सामने युद्ध कर रही है। एक दिवस बाबा एक दिवस मेघनाथ लक्ष्मण को शक्ति बाण मार दिया बाबूजी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए बेहोश हो गए। हनुमान जी सुखेन वैद्य को लाए लंका से, संजीवनी बूटी आई पिलाई गई, लक्ष्मण जी होश में आए, मेघनाथ का वध किए, राम पूरे निशाचर का वध करके, रावण का वध करके लंका का राजा भीषण को बना के अवधपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं आला के रावण।
हाय हो राम लिए भालू बंदर साथे राम सुख दाली बाबू अवध नगरिया में आए भगवा देखले मोहारिया पे लक्ष्मण के रलिया बाबू समय बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब अवधपुरी आते हैं तो देखते क्या है कि द्वारी पे उर्मिला जो हाथ में एक लोटे में जल लेकर खड़ी है पत्थर में तब्दील है। अनुज लक्ष्मण से कहले प्रभु जी हाथ वास छुई दातन के जाई के बदलिया बीरन भैया लक्ष्मण आप जाके अपने धर्म पत्नी को उसके शरीर को आप टच कीजिए छुइए। लक्ष्मण जी बगल में पहुंच गए अब बगल से उर्मिला के शरीर को छू दिए उसमें जान आ गया। जब उर्मिला अपन नजर खोला तो बस सामने प्रभु राम सीता के ऊपर जब नजर पड़ी तो दोनों पत्थर हो गए बाबूजी। अब दोनों पत्थर हो गए तो अंतिम लाइन खड़ी में कहना बार अरे गुला गुलाब से गमकत फूलवरिया उजरी छाई फिर मातम बदरिया अवध की नग अरे जिया भैया एक बार जो खुशी की लहर अवधपुरी में दौड़ी थी पुनः मातम में तब्दील हो जाती है बाबूजी। अरे मूर्छित हो के गिरिधरन पे कौशल्या महतारी थाम कलेजा रोइसा व्यास के गारी उसी समय में बाबूजी नारद भगवान प्रभु का गुणगान करते हुए सितार लेके पहुंच गई ले और देखत का हुआ अरे डारे पत्थर पे नजरिया अवध की नगरी छाई फिर मातम बदरिया अवध की नगरी। नारद जी देखते हैं कि राम सीता पत्थर अपने कमंडल का जल राम सीता पर छिड़के राम तो अपने असली रूप में आ गए लेकिन सीता पत्थर के पत्थर रह गई। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए जब ब्रह्मा जी आ गए तो अपने कमंडल का जल सीता पर छिड़के सीता जी अपने असली रूप में आ गई। अंतिम लाइन छाप में कहना बा पड़ा कमंडल से जल विध के सिया सुघर तन पावली सत्य राम नट खटके बगिया कबिया दो श्री राम पुष्पावली और दुवरिया पे ठाढ़ी उर्मिला गायक हवलदार के भी से नित फुलवरिया